यह मोमोस बनाने जा रही हूँ। ये मोमोस बनाने के लिए हम पत्ता गोभी ले लिए हैं। ये पत्ता गोभी के ऊपर का ये छील दें, ये सारे हटा दें ऊपर के जो खराब पत्ता है, ये छील दिए हैं हम, हटा दिए हैं। उसके बाद हम इसको पानी में धो लेंगे। ये धुल गए हैं। इसको धोने के बाद हम इसको घिस लेंगे, इसको इस तरीके से घिस लेंगे। थोड़ी बारीक बारीक घिसना है। इस तरीके से हम इसको ऐसे इस तरीके से घिस लेंगे। सारे घिस दिया है, अच्छी तरह से घिस गए हैं। घिसने के बाद हम इसमें ये सोयाबीन है, सोयाबीन को हमने भिगो दिए हैं। भिगो के इसको हम पानी निकाल दें, निचोड़ दें इसको अच्छे से। ये पानी निचोड़ गए थे। निचोड़ने के बाद इसे हम इसे सोयाबीन को नहीं नहीं काट लेंगे ऐसे इस तरीके से। सारे सोयाबीन का काट के थोड़ा सा सोयाबीन इसमें देना है। इसको बारीक बारीक काट लेना है। इसे काटने के बाद हम इसमें हल्का नमक देंगे। बहुत हल्का नमक, इसे हल्का नमक देके ऐसे हम मिला के इसे मिला के हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हम छोड़ने के बाद इसे हम फिर ये लहसुन है, इसको लहसुन को हम छील लिया है। लहसुन छीलने के बाद इसे हम पीस लेंगे। अभी से ये 10 मिनट हो गए। 10 मिनट होने के बाद इसे हम पानी को निचोड़ लेंगे। इसको इस तरीके से इसमें पानी हो गया, पानी हो गया है अच्छी से ये निचोड़ ले। पानी को सारी निचोड़ लिए हैं। निचोड़ने के बाद सारी हम पत्ते और ये सोयाबीन के निचोड़ लिए हैं। निचोड़ने के बाद ये सारे पानी निकल गए हैं। इसके बाद हम ये पिसी हुई लहसुन है, इसको मिला देंगे इसमें मिलाने के बाद ये लहसुन मिला देंगे। इसमें हम थोड़ी सी चाट मसाला भी डाल देंगे जो कि अच्छा स्वाद आते हैं। इसमें चाट मसाला हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। इसमें ध्यान रहे कि ये चाट मसाला इसमें देने से अच्छा होते हैं। इसको हम सारे ऐसे मिला लें। ये मैदा है, ये हमने एक पाव मैदा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा बहुत हल्का सा नमक इसमें डालेंगे। इसमें नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालते हैं। डालने के बाद इसको मिलाते हैं। इसलिए थोड़ा सा डाल देते हैं कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये मिलाने के बाद हम इसको आटा मार लेंगे। इसको आटा मारने के बाद हम इसको 10 मिनट ऐसे रख देंगे। ये
ये हम ये मैदा मार लिए हैं। ये मारने के बाद इसको हम 10 मिनट छोड़ दिए थे, ये सॉफ्ट हो गए, एकदम बढ़िया हो गए हैं। इसको हम अब इसे टाइट मारना है, ये ढीला नहीं, जितना टाइट हो उतना अच्छा होते हैं। इसे हम अब ये छोटी छोटी इस तरीके से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इसको इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनाना है। इस तरीके से हम इसको बेल बेल लेंगे। थोड़ी सी इसमें सूखा आटा लगा के इस तरीके से हम ये छोटे छोटे इस तरीके से ये छोटे छोटे हम ये बना लेंगे। छोटे छोटे और पतले पतले बनाना है। इस तरीके से हम ये एकदम पतला बनाना है, एकदम पतला बेल लिया है। बेलने के बाद हम ये ना ज़्यादा पतला है ना मोटा है, सही सही है, हमने इसको बेल लिया है। अब हम इसे इस तरीके से इसको ये हम इसे भर लेंगे। इस तरीके से हम ये साड़ी को भर लेंगे। इस तरीके से हमने ये साड़ी को बना लिए हैं। बनाने के बाद इसको हम अब 1 लीटर पानी गैस पर हम 1 लीटर पानी इसको गर्म होने को भर देंगे। इसको उबाल आने तक इसको गर्म होने दें। जब तक ये पानी गर्म हो रहे हैं ना तब तक हम इसमें रिफाइंड थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ये हम रिफाइंड धर दिया है इसको हम गरम करने के लिए। ये पानी खोलने लगा है। अब हम इसमें ये जाल वाला थाली ले लेंगे। इस थाली में हम इसको थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इसके हम ऊपर धर देंगे जाल वाला। फिर इसको ये ऐसे रख दे, थोड़ी सी भाप लग जाए, उसके बाद हम तल लेंगे। अगर उबाले खाए तो इसके अंदर एक जाल वाला आते हैं, वो जाल रख दे पानी के ऊपर और उबाले खाए या तल के खाए, जैसी आप इच्छा हो वैसी खाना। कैसे अब ये उबाल ऊपर भाप आने लगे हैं, इसके हम ऐसी ढक देंगे 5 मिनट के लिए बस। देख ये कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा से हो गए हैं। इसे ये भाप से ये अब थोड़े उबल गए हैं, तो हम इसको तेल में फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा उबाले हैं। अगर ये फ्राई करके वैसी खाए उबाल के तो थोड़ी सी ज़्यादा पका लें। हम इसे सारे को इसमें डालेंगे, तेल के हम ये तेल गरम कर लिया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। धीमी धीमी आंच में हमें इसे पकाना है।
ये धीमी धीमी आंच में बिल्कुल सेकना है। ये हमें ये सेक गई है और हमें इसे निकाल लें। ये थोड़ी सी भाप लगाने से ये देखो कितना फूल के आ जाते हैं, फूल जाते हैं। ये बाज़ार से बहुत अच्छा अपना घर में होते हैं, ये अपना घर में बनाए बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। बना के अपना घर में मोमोस खाइए, बाजार के मिलावट से बचिए। ये मोमोस का चटनी है, मोमोस का चटनी के साथ ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये एक कितना अच्छा सॉफ्ट हो गए हैं, इसको मिला के अच्छा हो गए हैं। ये इस मोमोस के चटनी के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। और ये मोमोस का चटनी इसी पर, इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप मोमोस का चटनी बना सकते हैं। अच्छा लगने पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।